तो मित्रों आपको बता दें, इस वक्त हम लोग भदोही में हैं, यूपी के भदोही में आकांक्षा दुबे जी के घर पे। और आप ये देख सकते हैं हमारे साथ जो चाचा जी बैठे हुए हैं, ये आकांक्षा दुबे के पिताजी हैं। और आपको बता दें कि ये पिता अपनी पुत्री को 22 साल की एज में खोया है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और ऐसा नहीं है कि जो पुत्री थी वो सफल नहीं थी, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ली थी। अच्छा चाचा जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम छोटेलाल दुबे है। आप भी मुंबई में रहते थे कि आप यहाँ पे रहते थे? नहीं, मैं बम्बई में रहता था, मगर मैं नाला सुपारा के बाहर रहता था। मैं चक्की चलाता हूँ, तो जहाँ हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था मैं वहीं चला जाता था। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, अंदर से आत्मा क्या कहती है कि बिटिया सुसाइड की है या हत्या की गई? अरे वो हमारी बिटिया नहीं थी, हमारा लड़का था। जी 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 जी, क्योंकि पूरा डिफरेंट उसके ऊपर था। तो वो मैं पाला हूँ तो मैं जान सकता हूँ ना कि वो कैसा सुसाइड कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको कोई कोई रोक ठेक नहीं था कि बिटिया तुम अपने खुशी से खेलो खाओ, अपने ऊंचाई तक जाओ, नाम कमाओ, तो कैसा आदमी सुसाइड कर सकता है? ये हमको जवाब नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना जल्दी इतनी बड़ी मुकाम हासिल करना कहीं कहीं ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ने पूरा उसको छोड़ दिया था। क्या बेटा, आप अपना नाम कमाओ बस। जी जी। अच्छा चाचा जी, लास्ट टाइम आपसे बात कब हुई थी बिटिया से? हमसे बिटिया से बात तो देखो आती थी और चले जाती थी, तो हमको मालूम पड़ता था कि हाँ लड़की आई थी गई। अच्छा, बात कम होती थी? बात हम तो बाहर रहता था, अब वो आती थी 2-3 दिन के बाद निकल जाती थी, उसका जहाँ काम मिलता था। मगर ये हमको मालूम पड़ा था कि समर सिंह जो है उसके साथ में कुछ इसका बात, हाँ कनेक्शन नहीं, बाता कहानी पैसे के विषय में होता था। तो मैं बोला देखो समझ बूझ के अपना काम कर लो, देगा नहीं तो कल दे देगा ही पैसा। फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि वो मानने पीटना। मैं बोला ऐसा कैसा है, वो साला उसका अधिकार भी नहीं हो सकता है मानने के लिए। और क्या सही बात है, वो कौन मारने वाला, वो कौन मारने वाला होता है, कौन डांटने वाला होता है, पैसा क्यों नहीं देता है? तो उसने बोली जाने दो पप्पा, मैं हम बोला कम, हाँ हम बोला कंप्लेन कर दे। उसकी मम्मी भी बोली कि कंप्लेन कर, काहे को ऐसा कर रहा है? बोलती है कि ये हमारा क्रेडिट खराब हो जाएगा, उसका भी खराब होएगा, कंप्लेन चौकी में जाएंगे तो फिर चार आदमी जो बोलेंगे देखो ऐसा ऐसा है, पापा जाने दो, मैं संतोष कर लूँगी, देगा धीरे। तो अच्छा चाचा जी, आज भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह आई थी, तो आपसे मुलाकात हुई? नहीं, हमसे नहीं मुलाकात हुई, मैं बाहर। खाली माता जी से मुलाकात? हाँ, माता जी से मुलाकात हुई, अब मैं अंदर गया भी नहीं। अब क्या है, और तो मैं क्या जा सकता हूँ? क्या लग रहा है आप लोगों को, जांच होनी चाहिए इस पे, कठोरता से जांच होनी चाहिए ना? अगर जांच नहीं होगी तो ऐसा मनोबल तो बढ़ेगा ना आदमी का। सही बात है, आज हमारी बेटी गई, कल दूसरे का भी जाएगी, तीसरे का भी जाएगी, हैं? तो इसके लिए तो कम कम प्रशासन को कड़ी, उसको तो पकड़ना ही पकड़ना है, ऐसा ऐसे हत्यारे को पकड़ना ही पकड़ना है, और उसको कड़ी से सजा दे कि ताकि वो दूसरी के निगाह में कभी ऐसा नहीं कर सके। तो आप ये देख सकते हैं, ये आकांक्षा दुबे के पिताजी हैं, और जो गम का झलक है वो सीधा आंखों में झलक रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि वो मेरी बेटी नहीं, वो मेरा बेटा था, क्योंकि घर की सारी समस्याओं को देखना, झेलना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो थी वो आकांक्षा दुबे करती थी। और आकांक्षा दुबे घर की एक रिस्पांसिबल पर्सन थी, घर पर जो भी चीज़ें होती थी उसको मैनेज करती थी। हाँ, सब उसके कहने पर ही होता था। तो आप ये देख सकते हैं, और न्याय होना चाहिए इस पर, और जल्द से जल्द प्रशासन इस मामले को खुलासा करे कि वाकई में सुसाइड है या हत्या की गई है। कितना साल हुआ था उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए? अरे ये 2017 से चालू हुआ। अच्छा, 2017 से? हाँ, 2017 2023, मतलब 4-5 साल के अंतर्गत अगर बात करें तो आकांक्षा दुबे वो हर मुकाम हासिल कर ली थी जो बड़े बड़े भोजपुरी की हीरोइन और बड़े बड़े हीरो करते हैं। उसके पास इतना कला था। हाँ हाँ, कला को सराहा लोगों ने, और मेरे को भी खुशी हुई कि मेरी बेटी आ गई।
तो आप ये देख सकते हैं पिताजी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों ये थे आकांक्षा दुबे की पिताजी। हालांकि इस वीडियो पे क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद।